राष्ट्रवादी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार का आज जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। नवी मुंबई के नेरुल सेक्टर 15 में शरद पवार के जन्मदिन पर अल्पसंख्यक नवी मुंबई अध्यक्ष सैयद पीर फकीरा ने इस मौके पर केक काट कर जन्मदिन मनाया। साथ ही गरीबों में राशन और कपड़े भी बांटे। जन्मदिन के इस अवसर पर नेरुल के राष्ट्रवादी कांग्रेस के मान्यवर उपस्थित थे। सैयद फिर फकीरा ने शरद पवार के जन्मदिन पर शुभेच्छा दी, साथ ही नेरुल के मान्यवरों ने भी जन्मदिन पर मुबारकबाद दी। सबसे पहले तो मैं शरद पवार साहब को आज के जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूँ और दुआ करता हूँ कि उनकी लंबी उम्र हो और 2024 के इलेक्शन में पूरे महाराष्ट्र में नहीं पूरे हिंदुस्तान में राष्ट्रवादी का परचम लहरे, हमारी सरकार आए। क्योंकि शरद पवार साहब के बारे में मालदार साहब ने कहा, राशिद भाई ने भी कहा, तो आज हम लोग ने नवी मुंबई में एक छोटा सा कार्यक्रम रखा है। गरीब लोगों को अनाज बांटे हैं, गरीब लोगों महिलाओं को साड़ी बांटे हैं और 18 तारीख को क्रिकेट टूर्नामेंट भी रखे हैं। बस यही दो शब्द कहते हुए शरद पवार साहब को फिर से दिल से तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूँ। पूछा कि उनका जन्मदिन जो है हमेशा जोश व खरोश से मनाया गया है, इस साल भी उनका जन्मदिन जो है बहुत ही ज़्यादा जोश व खरोश से पूरे महाराष्ट्र में मनाया जा रहा है और तकरीबन एक हफ्ते से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लीडरशिप की तरफ से जगह जगह पे प्रोग्राम हो रहे हैं, जगह जगह पे लोगों की मदद के प्रोग्राम हो रहे हैं और उसको जो है काफ़ी लोगों में जोश व खरोश और उत्साह है। भले आज हमारी हुकूमत नहीं है लेकिन हमारा जोश और हमारा उत्साह जो है वो कम नहीं हुआ है, क्योंकि हमको अपने लीडर पर बहुत कॉन्फिडेंस है। हमको पता है कि हमारे लीडर की कैपेसिटी क्या है और वो किस लेवल का लीडर है। वो सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं, आज इस वक्त वो नेशनल लेवल के बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर है। बल्कि मैं तो ये मानता हूँ कि अगर कोई सियासी शख्सियत आज के दौर में ऐसी है जिसकी सारी पार्टियाँ, अपोजिशन पार्टियाँ जिसकी इज्जत करती हैं और जिसकी बात को मानती हैं और जिसकी सलाह पे मशवरे पे अमल करती हैं, वो शरद पवार साहब हैं। इसलिए शरद पवार साहब के साथ जो मोहब्बत है, जो इज्जत है, जो एहतराम है, वो कभी कम नहीं होगा। चाहे हुकूमत में रहें या ना रहें, हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हम सारे लोग जो है उन्हीं की आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं और उनकी आइडियोलॉजी सिर्फ और सिर्फ सेकुलरिज्म है, दूसरी कोई आइडियोलॉजी उनकी है नहीं। इसके लिए हम सारे लोग उसी आइडियोलॉजी पर चल रहे हैं। आज ये हमारे नवी मुंबई के अध्यक्ष सैयद पीर फकीरा ने एक छोटा सा कार्यक्रम रखा जिसमें उन्होंने गरीब औरतों को साड़ियाँ तकसीम की। ये उनके जन्मदिन के मनाने के तौर पे उन्होंने किया है, वो बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, वो उनके सारे साथी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और हमारे दरमियान सुल्तान मालदार साहब हैं जो उपाध्यक्ष हैं महाराष्ट्र प्रदेश के और पार्टी के संगठन को जोड़ने का बहुत काम करते हैं। उनकी मौजूदगी से इस प्रोग्राम में रौनक आ गई। उसके अलावा जावेद अशरफी साहब हैं, रिजवान भाई हैं, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मेहनत कर रहे हैं और पार्टी को बढ़ाने की और जोड़ने की मेहनत कर रहे हैं और उसमें सब लगे हुए हैं। आज नवी मुंबई के अध्यक्ष श्री पीर फकीरा साहब ने ये शरद पवार साहब की बर्थडे 82वां बर्थडे है उस पर ये कार्यक्रम को नियोजन किया है। मैं आदरणीय शरद पवार साहब को बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि वो 82 साल उन्होंने कम्प्लीट किया है, अभी 83 में जा रहे हैं। वो हम लोग राष्ट्रवादी पार्टी नई मुंबई और पूरी महाराष्ट्र की राष्ट्रवादी की तरफ से उनको बहुत मुबारकबाद देते हैं। और हमारे दरमियान राशिद खान साहब मौजूद हैं जो महासचिव महाराष्ट्र स्टेट के, रिजवान भाई है जो अध्यक्ष हैं नेरोल के, जावेद अशरफी साहब है जो उपाध्यक्ष हैं। हम चाहते हैं कि शरद पवार को अल्लाह लंबी उम्र दे, क्योंकि आने वाले अगले इलेक्शन में उनका बहुत बड़ा किरदार रहेगा, बहुत बड़ा रोल रहेगा। क्योंकि फासिस्ट गवर्नमेंट को अगर शिकस्त देना है और नाजिस गवर्नमेंट को अगर शिकस्त देना है, जो देश के हालात है पोलराइज वाले, जो पूरा मुल्क पोलराइज हो रहा है, जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है, जो देश की एकता और अखंडता पे एक बहुत बड़ा समस्या है, बहुत बड़ा मतलब सोच की बात है, इसको ख़त्म करने के लिए शरद पवार साहब भी एक ऐसे नेता है जो वो सारी पार्टी को एकजुट करके एक नया माहौल और नया वातावरण
निर्माण कर सकते हैं, और हो सकता है कि आने वाले 2024 के इलेक्शन में एक नया समीकरण बने और यूपीए की गवर्नमेंट फॉर्म हो शरद पवार साहब की लीडरशिप में। आप जानते हैं कि हम लोग जो जुड़े हैं वो शरद पवार साहब की आइडियोलॉजी, जो सेक्युलरिज्म की आइडियोलॉजी है, जो महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी, जो जवाहरलाल नेहरू की, जो मौलाना आज़ाद की आइडियोलॉजी, वही वजह से हम उनके साथ जुड़ रहे हैं और संगठन को मजबूत करते जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो फकीरा ने आज जो कार्यक्रम लिया है सैयद पीर फकीरा साहब ने, जो साड़ी वाटप का और अनाज वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन का और उनकी बर्थडे का, फकीरा साहब आप इसी तरह काम करते रहे, हम आपके साथ हैं। सीनियर लोग, हमारा युवा नेता है, हमको बहुत उम्मीद है कि हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जो पार्टी है ऐसे युवाओं नेताओं को अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, आगे आने वाले इलेक्शन में उनको कंसिडरेशन भी करना चाहिए। आज के इस मुबारक मौके पे मैं पार्टी से भी दरख्वास्त करता हूँ कि जिस तरह से पवार साहब ने हमेशा माइनॉरिटीज़ को कंसिडर किया है, हमारे यहाँ के नवी मुंबई के नेताओं पर भी उसको गौर और फिक्र कर कर हमारा रिप्रेजेंटेशन कॉरपोरेशन में भेजना चाहिए। बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्रवादी। ब्यूरो रिपोर्ट, FS न्यूज़, नेरुल।